आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेज सो वी हैव स्टार्टेड इंडियन इकोनॉमी लेक्चर सीरीज टूडे इज पार्ट नंबर थ्री इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एम सी क्यूज ऑन आर बी आई एंड मॉनिटरी पॉलिसी लास्ट टाइम हमने आर बी आई और मॉनिटरी पॉलिसी के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे उन सबको समझा था आज हम उनके बेसिस में एम सी क्यूज सॉल्व करेंगे दीज आर नॉट जस्ट एम सी क्यूज दीज आर बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेकन फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी एस एस सी जेके पी एस सी जेके एस एस बी सो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आपको ये आइडिया भी मिलेगा कि किस तरह से इकोनॉमी के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और क्या आप लेक्चर देखने के बाद कैपेबल हैं भी या नहीं फॉर क्रैकिंग दीज तो बिना टाइम वेस्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं द द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर कौन से थे ठीक है इंडियन गवर्नर की बात हो रही है सीडी देशमुख नाना भाई पालकीवाला पैनागल रामा राव सी राजगोपालाचारी और नन ऑफ दीज तो पहले इंडियन गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थे सीडी देशमुख आपने याद रखना है ठीक है ये कब बने थे इंडिया के गवर्नर 1943 में बने थे आरबीआई के गवर्नर बने थे ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के नाइनटीन से लेकर फिफ्टी के बीच में ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए बाकी आरबीआई के बारे में तो मैंने आपको बताया इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई एक्ट नाइनटीन के तहत इसको बनाया गया था इसका हेड हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है टर कहां पर है इसका मुंबई में इनिशियली कहां पर था कलकत्ता में था कोलकाता में था और 1937 में कोलकाता से इसको शिफ्ट किया था कहां पर मुंबई में ये चीजें आपको आरबीआई के बारे में ध्यान में रखनी है और अगर हम देखें तो पहले गवर्नर आरबीआई के सर ऑसबॉन स्मिथ थे पहले इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख थे और एट प्रेजेंट गवर्नर आरबीआई के कौन है शक्तिकांत दास तो ये सब आपको याद रखना अबाउट आरबीआई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रोल ऑफ आर इन इंडियन इकॉमी

मैंने आपको कल लेक्चर में आर का रोल बताया था उसमें मैंने आपको बहुत से रोल बताए थे जैसे आर को बैंकर्स बैंक bank भी कहते हैं ठीक है और लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी इसको कहते हैं बिकॉज वैन यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ लोन यू जस्ट गो टू बैंक एंड वेन एवर बैंक रिक्वायर सम लोन आपने सोचा है वो कहाँ जाता है वो आर के पास जाता है तो आर से ही बैंक लोन लेते हैं इसलिए बैंकर्स बैंक भी इसको कहा जाता है सेकंड मनी सप्लाई जो है किसी कंट्री में देखो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है आज भी बाई डिफरेंट रेट्स मैंने एक्सप्लेन करा था रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ओपन मार्केट ऑपरेशंस को यूज करके तो ये चीजें हमने सीखी थी तो इसका एक फंक्शन तो आ गया ये बैंकर्स बैंक bank है सेकंड हमने देखा था मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है आरबीआई तो ये भी इसका फंक्शन है सेकेंड थर्ड इज करेंसी तो हमारी कंट्री में जो तो करेंसी इशू करने का काम कौन करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई आपने कोई भी करेंसी नोट देखा होगा उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं आरबीआई गवर्नर के तो करेंसी जो है इशू करने का काम भी कौन करता है आरबीआई एक और मैंने रोल बताया था कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व तो इंडिया का जो फॉरन एक्सचेंज रिजर्व है जो फॉरन करेंसी में पैसा इंडिया के पास है उस सबको संभालने का काम भी कौन करता है आरबीआई करता है तो आरबीआई बना था हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन में कब बना था ये सब चीजें हमने देखी है अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए हैं एमसीक्यूज वाले में आपको ये सजेस्ट करूंगा आप इंडियन इकोनॉमी जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है उसके पहले दो लेक्चर देखें उसके बाद यहां पर आए तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको ऐसे लगेगा कि ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हु इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू हैव सर्व एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई ऐसे तो कौन से प्राइम मिनिस्टर इंडिया के इकलौते प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, के जिन्होंने सर्व करा है एज गवर्नर ऑफ आर बी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी तो आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा मनमोहन सिंह जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सर्व करा है एज गवर्नर ऑफ आरबीआई तो कब करा है 1982 से 85 के

कि जो आरबी आरबीआई है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके चार ना जोनल ऑफिस भी हैं तो कई बार एस वगैरह एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जोनल ऑफिस जो है चार आरबीआई के वो कहां, कहां पर है तो ये आप याद रखना एक चेन्नई में है मेन इसका मुंबई में है ये सबको पता है जो इसके जोनल ऑफिसेज हैं वो साउदर्न वाला चेन्नई में है नॉर्दर्न वाला दिल्ली में है ठीक है नॉर्दर्न वाला दिल्ली में है ईस्टर्न वाला कोलकाता में हो जाएगा ठीक है मैप के थ्रू आप ध्यान रखो तो ईजिली कवर हो जाएगा और वेस्टर्न वाला मुंबई में हो जाएगा ठीक है वेस्टर्न वाला कहां पर हो जाएगा मुंबई पर ठीक है अगर आप इंडिया का मैप देखें आई एम ट्राइंग टू एक मैप परफेक्ट होगा इसकी गारंटी नहीं है देखो साउदर्न यहां पर है चेन्नई वाले एरिया में या आ गया साउदर्न अगर हम बात करें यहां महाराष्ट्र वाले एरिया में मुंबई में वेस्टर्न वाला आ जाएगा ईस्टर्न वाला कोलकाता में आ जाएगा और नॉर्दर्न वाला दिल्ली में तो ये चार जो हैं ये जोनल ऑफिसज हैं किसके आर के ठीक है ये या आपको याद रखना है और हेड क्वार्टर कहाँ पर है मुंबई में ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो आरबीआई का हेड क्वार्टर जो है वो मुंबई में है बट आरबीआई का ट्रेनिंग कॉलेज जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल्स को वो कहां पर सिचुएटेड है मुंबई में दिल्ली में कलकत्ता या चेन्नई मतलब तो चारों जोनल ऑफिस में कौन से एरिया में रिजर्व बैंक का स्टाफ कॉलेज जो ट्रेनिंग दी जाती है आरबीआई बी की वो सिचुएटेड है तो ये कहां पर सिचुएटेड है चेन्नई में आपको याद रखना फॉर योर एग्जाम और इसको एस्टेब्लिश किया गया था थ्री जुलाई थर्ड ऑफ जुलाई 1963 में तो ये फैक्ट आपको याद रखना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इंपॉर्टेंट है ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज की बट आपको ये पता होना चाहिए चेन्नई में है ये और ये क्या है ट्रेनिंग कॉलेज नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वाज द आर बी तो आर को नेशनलाइज कब किया गया था ठीक है नेशनालाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा कि जब भी एक बैंक जो है कोई भी कमर्शियल बॉडी है वो पब्लिक ऑनरशिप के अंडर आ जाती है गवर्नमेंट के अंदर मतलब जब उसका गवर्नमेंट का शेयर उसमें 50 परसेंट से ज्यादा हो जाता है तो वो नेशनलाइज हो जाता है

एक्ट में क्या किया गया था इसकी ट्रांसफर कर गई थी पब्लिक ऑनरशिप में ठीक है गवर्नमेंट में तो ये एक्ट आया था 1948 में और इसी के तहत 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन रेगुलेटिंग द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया देखो क्रेडिट होता है लोन प्रोवाइड करना पैसा जनरेट करना ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है उसका फॉर्मल वे क्या है फॉर्मल सोर्स क्या है रेगुलेशन का ठीक है तो हमारी कंट्री में जितना भी क्रेडिट सोर्स मतलब बैंक्स होते हैं क्रेडिट सोर्स जनरेटर उसको रेगुलेट करने का काम किसका है आरबीआई का है ट्राई का है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया नबार्ड का है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आई आर जिसे कहते हैं तो इनमें से कौन सी बॉडी का काम है रेगुलेटिंग द फॉर्मर सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया तो वो किसका काम है आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है अगर हम ट्राई की बात करें ये भी देख लेते हैं ट्राई को बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जितना भी टेलीकम्युनिकेशन है ना हमारे इंडिया में उस सबको रेगुलेट करने का काम कौन करता है ट्राई करती है ये चीज आपको याद रखनी रखना इसको कब स्टेब्लिश किया गया था 1997 में ठीक है नबार्ड इंपॉर्टेंट है इकोनमी पॉइंट ऑफ व्यू नबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट तो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करना ठीक है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हों रूरल एरियाज में उसके लिए नबार्ड को बनाया गया एक स्टैचुटेरी बॉडी है ठीक है नबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अब ये इसको कब बनाया गया था कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है नाइनटीन में बनाया गया था नबार्ड को और मैंने आपको एक लेक्चर में एक्सप्लेन भी करा था कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे नबार्ड को बनाया गया था ठीक है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जरूर इस क्वेश्चन का आंसर देख लेना ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जिसमें मैंने एमसीक्यू इकोनॉमी के सॉल्व करवाए थे उनमें मैंने ये एक्सप्लेन भी करा था कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे नेक्स्ट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी नाइन में इस अथॉरिटी का काम है रेगुलेट करना इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया जितने भी इंश्योरेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं उन सबको रेगुलेट काम करने का किसका है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम से ही पता चल रहा है इसमें कुछ मुश्किल नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फिक्स द रेपो रेट इन रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया देखो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं ये रीपर्चेस एग्रीमेंट है रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें कोई भी बैंक आरबीआई से लोन ले सकता है और रिवर्स रेपो रेट होता है वो इंटरेस्ट रेट जिसपे आर बी आई बैंक से लोन लेती है ठीक है दीज आर रिपर्चेज एग्रीमेंट अब कौन फिक्स करता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एस बी आई कंट्रोल एडिटर जनरल ऑफ इंडिया और आर बी आई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब जो मोनिटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें आर बी आई का भी मेन रोल है वही डिसाइड करते हैं बेसिकली आर बी आई डिसाइड करता है कि कितना रेपो रेट होगा या रिवर्स रेपो रेट होगा इंडिया में देखो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से ही मार्केट में मनी सप्लाई रेगुलेट होती है ये मेन चीजें हैं जिनकी हेल्प से आरबीआई क्या करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं मैंने कल आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स बताए थे जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी यूज़ करती है इसको या आरबीआई बोल सकते हैं वो यूज़ करता है कि इसको मनी सप्लाई को रेगुलेट करने उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मेनली रेपो रेट इनको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी कहते हैं इसके थ्रू ही मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है जब रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा रेपो रेट बढ़ाने का मतलब है कि जो बैंक को पहले आर से सस्ता लोन मिलता था अब उनको महंगा लोन मिलेगा अगर उनको महंगा लोन मिलेगा बैंक को तो बैंक लोगों को भी महंगे रेट में देंगे अगर आप बैंक में जाते हो आज आप जाते हो आपको पांच परसेंट इंटरेस्ट पे कोई लोन मिल रहा है कल तो अगर आप जाते हो आठ परसेंट इंटरेस्ट में लोन मिल रहा है तो क्या आप आज गए हो तो पाँच परसेंट में मिल रहा था अगर आप फिर जाते हो तो आठ परसेंट में मिल रहा है क्या आप आठ परसेंट में लोन लोगे आप नहीं लोगे इसका मतलब जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक जो है ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे लोग पैसा कम लेंगे लोगों के पास पैसा कम होगा डिमांड कम होगा और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी महंगाई कम हो जाएगी क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी इसीलिए रेपो रेट के बढ़ाने से इन्फ्लेशन क्या हो जाती है कम हो जाती है इस कंसेप्ट को आपको समझना कल के लेक्चर में ना मैंने बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करा था इंडियन इकोनॉमी पार्ट सेकंड में तो इंडियन इकोनॉमी लेक्चर चीज आप स्टार्टिंग से देखें प्ले में बनी हुई है तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से इन्फ्लेशन या मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है बाय डिफरेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स कि ये क्या होते हैं आज भी कैसे इनको यूज करती है सब मैंने एक्सप्लेन करा था

और मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज इन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लिक्विडिटी मतलब मनी सप्लाई ठीक है उसमें एडजस्टमेंट करना मार्केट में कितनी मनी सप्लाई होगी उस, उसको एडजस्ट करने की फैसिलिटी जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी उसमें इनमें से कौन आता है मतलब मेनली कौन सा टूल है जिसकी हेल्प से मार्केट में मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट सी आर आर कैश रिजर्व रेशो तो इसमें से तो कौन सा आंसर करेक्ट है थ्री ऑनली मतलब कैश रिजर्व रेशो ही करेक्ट है वन एंड थ्री ऑनली मतलब रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेट रेशो यूज होगा नेक्स्ट इज वन एंड टू ऑनली मतलब रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट यूज होगा ऑल ऑफ आर नॉट अटेम्प्टेड तो देखो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन इज सी रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आते हैं इनकी हेल्प से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या किया जाता है आरबीआई डिसाइड करती है इनके थ्रू किस तरह से मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाएगा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रेपो रेट के बढ़ाने से किस तरह से मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है ठीक है तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी थी आपको लेक्चर्स में नेक्स्ट रेट एट विच आर बी आई बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक आर बी आई किस रेट पे पैसे लेता है दूसरे बैंक से यहां पर बैंक की बात नहीं हो रही है कि बैंक आरबीआई से नहीं ले रहा है बट आरबीआई बैंक से किस रेट पे पैसे लेता है उस रेट को क्या बोलते हैं लिक्विडिटी रेट एक्सचेंज रेट रिवर्स रेपो रेट और रेपोरेट तो इसको क्या बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट जिस रेट रेट पे बैंक आरबीआई से पैसा लेता है इज नोन एज रेपो इसको एग्रीमेंट एग्रीमेंट भी कहते हैं देखो का मतलब ये है देखो एक बैंक है ना वो बैंक ने आरबीआई से पैसा लेना है शॉर्ट टर्म के लिए मतलब मैक्सिमम एक साल तक जा सकता है ठीक है बैंक जाएगा आरबीआई के पास आरबीआई को बोलेगा एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक जाएगा ठीक है आरबीआई के पास जाएगा उसको बोलेगा कि मुझे लोन चाहिए कम अमाउंट का ठीक है आरबीआई इसको ऐसे ही तो लोन नहीं पहुंचा पकड़ा देगा ना रेपो रेट में ठीक है क्योंकि रेपो रेट में जब आरबीआई इसको लोन लेगा वो एक रीपर्चेस एग्रीमेंट है आरबीआई वापस इससे वो पैसा वापस भी लेगा ठीक है वापस भी लेगा और जब वापस लेगा वो कौन से रेट पे लेगा रिवर्स रेपो रेट पे लेगा जब इसको दे रहा है तो रेपो रेट पे दे रहा है जब वापस लेगा तो रिवर्स रेपो रेट में लेगा ये चीज आपको पहले समझना ये रीपर्चेस एग्रीमेंट है कि आर बी बोल रहा है आज तू मेरे से पैसा ले जा मैंने कल तेरे से पैसा वापस लेना है एट रिवर्स रेपो रेट ठीक है अब जब बैंक आरबीआई से पैसा ले रहा है तो बैंक को आर पैसा तभी देगा जब वो कुछ अपना कोलेट्रल वहां पर रखेगा तो कोलेट्रल यहाँ पर रखा जाता है कोलेट्रल कोई भी चीज गिरवी रखना जैसे आप बैंक में जाते हो ना तो आपको पहले पूछा जाता है कि आपकी क्या प्रॉपर्टी है ठीक है आपकी जमीन है कि नहीं है ठीक है अभी देखो जितने भी हमारे पास आप अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो अब गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लाती है जैसे नबार्ड वगैरह हो गया और बहुत सारे इनिशिएटिव के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाई जाती है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब जो गरीब लोग हैं वो भी लोन की फैसिलिटीज को अवेल कर सकें ऐसा गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ता है उसका रीजन ये है कि जो बैंक हैं वो तो प्रॉफिट ओरिएंटेड है ना वो अपना प्रॉफिट देखेंगे क्या एक गरीब किसान जिसके पास ना कोई जमीन है ना कोई घर पे बड़ी प्रॉपर्टी है ना कोई गाड़ी है वो बैंक में गिरवी कुछ रख नहीं सकता और बैंक उसको कभी लोन प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि बैंक ने अपना प्रॉफिट देखना बैंक को पता है कि ये किसान कल इसकी फसल खराब होगी तो ये क्या देगा वापस कुछ नहीं दे सकता तो बैंक उसको कभी लोन नहीं देगा ठीक है अगर बैंक उसको लोन नहीं देगा इसलिए गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव लाती है जिसके थ्रू जो है किसान को अगर उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है तब भी उनको लोन मिल जाता है डैट प्रोसेस इज नोन एज फाइनेंशियल इंक्लूजन जब फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये होता है कि जब आप बैंकिंग फैसिलिटी या कोई भी कमर्शियल फैसिलिटीज को उस लेवल में लेके जाओ जहां पर लोग लोग जो है इजिली उसको अवेल नहीं कर पा रहे हो डायरेक्ट नॉन ए फाइनेंशियल इंक्लूजन बट जब बैंक आर से लोन लेता है ना उसको कुछ ना कुछ कोलेक्टर रखना पड़ता है क्योंकि बैंक तो इतना गरीब है नहीं तो वो वो कलेक्टर रखता है ये चीज़ भी आपको याद रखनी है बाकी आप लेक्चर्स देखो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखो प्लेलिस्ट में पढ़ो मैंने रेपो रेट में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में एमएसएफ सीआरआर एसएलआर ये क्या होती है सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट को ये तो नहीं होता रेट एट विच इंटरनेशनल एड एजेंसी इंटरनेशनल जो एड एजेंसी है चाहे आई वर्ल्ड बैंक है वो जिस रेट पे आरबीआई को पैसा देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट नहीं रेट एट विच आरबीआई लेंस टू बैंक इनकेस ऑफ शॉर्ट मे्योरिटी हाँ जब बैंक को शॉर्ट टाइम के लिए पैसा चाहिए होता है तो आज भी उनको जो पैसा देती है वो उसको हम बोलते हैं किस इंटरेस्ट रेट पे देती है दैट इज नॉन ए रेपो रेट ठीक है नेक्स्ट कैश रिजर्वेशन तो मैंने कल आपको दो कंसेप्ट बताए थे एक था सीआरआर एक था एस एल आर ठीक है इनको रिजर्व रेशो कहते हैं एक है कैश रिजर्व रेशो एक है स्टेटुटरी लिक्विडिटी रेशो कैश रिजर्व रेशो में वो पैसा होता है जो किसी भी बैंक को कमर्शियल बैंक को आर के पास रखना पड़ता है ठीक है और एस होता है कि कोई भी ऐसा बैंक है हर कोई कमर्शियल बैंक को अपने पास कुछ पैसा रखना पड़ता है वो उस पैसे को लोन में नहीं दे सकता ठीक है वो इस फॉर्म में होना चाहिए कि जल्दी लिक्विड मतलब मनी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जैसे गोल्ड की फॉर्म में रख सकता है जैसे गवर्नमेंट एसेट की फॉर्म में रख सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकते हैं तो ये सी आर आर एस एल आर क्या होता है कुछ पैसा जो बैंक को सी आर आर के केस में आर बी आई के पास रखना पड़ता है और एस एल आर के केस में अपने पास रखना पड़ता है इसके हेल्प से भी जो है मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जा सकता है मैंने कल आपको एक्सप्लेन करा था अगर आ अगर बैंक क्या करेगा अगर आरबीआई क्या करेगा सीआरआर को बढ़ा देता है ठीक है इसका मतलब बैंक को आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखने पड़ेगा बैंक का पैसा आरबीआई के पास ज्यादा पड़ा हुआ तो इसका मतलब बैंक के पास कम पैसा बचा वो लोगों को कम पैसा देगी मार्केट में पैसा कम होगा पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगी डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम हो होगी तो दिस इज ऑल्सो वे टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द मार्केट विद द हेल्प ऑफ कैश रिजर्व रेशो एस एल आर केस में भी सेम होता है स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो इसका आंसर क्या हो जाएगा द फ्रैक्शन ऑफ कमर्शियल मस्ट कीप विद ये वो पैसा होता है अपने डिपोजिटर्स का नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी पे देखा जाता है कि वो पैसा जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है आरबीआई फिक्स कर देती है कि इतने परसेंट पैसा आपको सी आर आर की फॉर्म में रखना पड़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं द प्राइमरी पर्सन

2016 में क्या होता है 2016 में जो आर एक्ट है ध्यान सुना आर एक्ट है 1934 वाला इसमें क्या किया जाता है थोड़ी अमेंडमेंट की जाती है इसकी एक सेक्शन जो है सेक्शन फोर्टी फाइव जेड बी इसको याद रखना है सेक्शन फोर्टी फाइव जेड बी की हेल्प से एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है एम बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसमें छह मेंबर्स होते हैं तीन मेंबर्स जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं और तीन किसके होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ठीक है आर और तीन किसके होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये छः मेंबर्स मिल डिसीजन लेते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन इन इन छः मेंबर्स का काम है कि इन्होंने मार्केट में इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो फोर प्लस माइनस टू परसेंट रखनी है मतलब चार से दो परसेंट ज्यादा और दो परसेंट कम चार से दो परसेंट कम हो गया दो परसेंट और चार से दो परसेंट ज्यादा कितना हो गया छह परसेंट इसका मतलब महंगाई दो परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए और छः परसेंट से ऊपर नहीं होनी चाहिए मॉनिट्री पॉलिसी कमेटी का जो है ये उसका एजेंडा यही है कि महंगाई को इस इस फ्रेम में रखना ठीक है थेके? इसके बारे में यही मॉन्ट्री पॉलिसी कमेटी और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मैंने कल के लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन करा है कि मॉन्ट्री पॉलिसी कमेटी में क्वेरम क्या होता है अगर सपोज करो रिफ्ट आ जाए उसके इसमें कैसे वोटिंग होती है तो ये सारी चीजें आप उस लेक्चर को रेफर कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इफ आर बी आई रिड्यूस कैश रिजर्व रेशो वट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन अगर आर बी आई सी आर आर को कम कर देती है तो मार्केट में जो लोन सप्लाई है जो क्रेडिट में क्रिएशन हो रहा है उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा ध्यान से सुनो CRR क्या होता है वो पैसा जो बैंक ने आरबीआई के पास रखा हुआ है अगर सी वो कम कर देते इसका मतलब बैंक को आरबीआई के पास अब कम पैसा रखने पड़ेगा बैंक को आरबीआई के पास कम पैसा रखने पड़ेगा इसका मतलब यह है कि नाउ मतलब बैंक हैज मोर एक्सेस टू गिव मोर लोन टू द पीपल मतलब अब बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकता है लोगों को इसका मतलब बैंक लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन देगा वेन पीपल विल गिव एक्सेस है उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा दे कैन क्रिएट डिमांड ज्यादा डिमांड होगी मनी सप्लाई होने की वजह से डिमांड ज्यादा होगी और जब भी मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ठीक है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है इसका मतलब जब भी कैश रिजर्व रेशो को बैंक जो है आर बी आई कम कर देगी इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट क्रिएशन मतलब लोन जो है वो बैंक इंक्रीज कर देंगे मतलब ज्यादा से ज्यादा लोन लोगों को प्रोवाइड करेंगे क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है अब क्रेडिट में कितनी चीजें मिल रही हैं क्रेडिट मतलब उधारी में डेट इज लोन तो लोन ज्यादा से ज्यादा मिलेगा अगर सी आर आर कम हो जाएगा ऑन द अदर हैंड इफ सी आर आर इज इन वट है इसका मतलब है कि बैंक को ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा आर बी आई के पास नाउ बैंक हैव नॉट डेट मच मनी टू गिव इट टू द यूजर्स तो इतना पैसा वो दे नहीं सकते इसका मतलब बैंक जो है वो कम पैसा देगा इसका मतलब है क्रेडिट क्रिएशन कम होगी सी आर आर के बढ़ने से क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाती है और सी के कम होने से क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाती है ये चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं द मोनिट्री पॉलिसी स्टांसिस इन विच इंटरेस्ट रेट में आईदर मूव वे अपवर्ड्स और डाउनवर्स का देखो मोनिट्री पॉलिसी कमेटी जब मोनिट्री पॉलिसीज लाती है ना डिसीजन लेती है उनको ना एक स्टांस बता देती है स्टांस बताने का मतलब कि कमेटी का क्या स्टांस है कि आने वाले टाइम में कमेटी क्या करेगी कमेटी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी कम करेगी सेम रखेगी या बढ़ा भी सकती है कम भी कर सकती है तो ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस ठीक है आप समझ गए होगे आई होप मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो क्लियर करती है कि आने वाले टाइम पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस तरह से होगी मतलब मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट कम होंगे इंटरेस्ट रेट सेम रहेंगे ठीक है ये चीजें अब क्वेश्चन में पूछा है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जिसमें इंटरेस्ट रेट या तो बढ़ सकता है और या कम हो सकता है मतलब बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है ऐसे स्टांस को क्या बोलते हैं अक्यूमोटेटिव न्यूट्रल कैलिब्रेटेड हॉकिश और नन्ना फेब इस स्टांस को बोलते हैं न्यूट्रल स्टांस न्यूट्रल स्टांस में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ भी सकते हैं आने वाले टाइम में और कम भी हो सकते हैं ठीक है ऑन द अदर हैंड अगर हम कैलिब्रेटेड की बात करें ना कैलिब्रेटेड में होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो सिर्फ इंक्रीज ही होंगे इंक्रीज ही हो सकते हैं ठीक है आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे कम नहीं होंगे ठीक है एक्यूमिडेटिव का मतलब होता है कि आइधर तो सेम रहेंगे या डिक्रीज हो जाएंगे एक्यूमिडेटिव का मतलब होता है मैक्सिमम चांस होते हैं डिक्रीज हो जाना आइदर तो सेम रहेंगे या डिक्रीज हो जाएंगे हॉकी स्टांस का मतलब होगा या तो सेम रहेंगे या क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे ठीक है तो ये कुछ स्टांसेस होते हैं जो मोन्टी पॉलिसी कमेटी का आरबीआई बताता है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे एक्यूमिडेटिव का मतलब आइदर सेम रहेंगे या डिक्रीज हो जाएंगे इंटरेस्टेड न्यूट्रल का मतलब है डिक्रीज भी हो सकते हैं इंक्रीज भी कैलिब्रेटेड सिर्फ इंक्रीज होंगे हॉकिश क्या है सेम या रहेंगे या इंक्रीज होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं द डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज तो मॉनेटरी पॉलिसी का डोमिनेंट ऑब्जेक्टिव क्या है मनी सप्लाई कंट्रोलिंग डिमांड फॉर मनी अचीविंग प्राइस स्टेबिलिटी और प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू कि अचीविंग प्राइस स्टेबिलिटी प्राइस जो है वो मेंटेन रहे वही मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होंगे देखो आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें आपको यहां से ये चीज तो समझ आ गई होगी फैक्चुअल डेटा से ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है इन इकोनॉमिक्स इन द सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स फैक्चुअल भी नो डाउट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे आर बी रिलेटेड पूछा गया नेशनलाइजेशन कब हुई ये चीजें बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत सारे आए मोनिट्री पॉलिसी के रिलेटेड तो मैंने आपको यही बताया था कि आपको इस सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ना है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो प्लस जो फैक्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाएं एक तो इकोनॉमिक्स की सीरीज है एक तो अभी मैंने इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करी है लेकिन जो इकोनॉमिक्स की सीरीज जो मैंने पहले यूज करी थी तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे आपको प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एम सी क्यू सॉल्व थे और मेरा एम सी क्यू सॉल्व करने का तरीका यही होता कि एम सी क्यू के साथ बहुत से एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो आप उन लेक्चर्स को जरूर देखें आई रेंटेड यू की वो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी इन्फॉर्मेशन हर एक लेक्चर में आपको न्यू मिलती है जैसे ये क्वेश्चन है ना स्टांसेज वाला आई हैव एक्सप्लेन इट ऑन माई प्रीवियस ईयर लेक्चर सीरीज ठीक है वो जो मेरी सीरीज थी ना प्रीवियस ईयर लेक्चर सीरीज जो थी इकोनॉमिक्स में मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन करे वहाँ कि प्राइस स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन भी मैंने एक्सप्लेन कर इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने एक्सप्लेन नहीं करा होगा एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जैसे ये स्टाफ कॉलेज वाला क्वेश्चन चेन्नई वाला जो फैक्चुअल क्वेश्चन था बाकी कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा मतलब नियर अबाउट ये सिक्सटीन क्वेश्चन उसमें से फिफ्टीन क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करे हुआ इन माई लेक्चर्स ठीक है इसमें मैं अपनी बहुत वो नहीं कर रहा कि प्रेस बट मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि हमें पता है कि एग्जाम की डिमांड क्या है क्वेश्चन किस तरह से आता है देखो एक सिर्फ पढ़ते रहना पढ़ते रहना वो भी नहीं होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का एक लीथल कम्बिनेशन चाहिए होता है फॉर क्रैकिंग एनी एग्जाम तो वही चीज़ आपको सिखाई जाती है पहले तो आपको हार्ड वर्क के वे में कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी जाती है किसी भी कंसेप्ट को स्मार्ट वर्क के वे में एम या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आपको ये बताया जाता है कि किस तरह आपको लेक्चर को डील करना है पेपर को डील करना है आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको ज्वाइन कर लें इससे आपको फायदा होगा कि एक पी भी वहाँ शेयर हो जाती है डेली न्यूज़पेपर भी मिल जाता है और क्विज भी होता है और आप हमारे साथ डायरेक्टली बात भी कर सकते हो क्योंकि वो ओपन डिस्कशन ग्रुप है इफ़ यू हैव एनी डाउट आई एम वेरी मच हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट ऑन दैट डिस्कशन ग्रुप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग